उत्तर प्रदेश की राजनीति में इन दिनों सियासी घमासान मचा हुआ है। लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद से बीजेपी में अंदरूनी कलह शुरू हो गई है, जो साफ दिखाई दे रही है। इसको लेकर विपक्ष मजे ले रहा है। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि इससे बीजेपी को नुकसान हो सकता है। वहीं वरिष्ठ पत्रकार सुरेश बहादुर सिंह का मानना है कि ये कहीं न कहीं केंद्रीय बीजेपी के कुछ नेताओं के इशारे पर सीएम योगी को कमजोर करने की एक सोची समझी साजिश है। दरअसल बीजेपी ने लोकसभा चुनाव में यूपी में 80 की 80 सीटें जीतने का दावा किया था, लेकिन मात्र 33 सीटें ही उसके पाले में आई हैं। 37 सीटों के साथ सपा ने बीजेपी को दूसरे नंबर पर ढकेल दिया। हार का ठीकरा फोड़ने को लेकर यूपी बीजेपी में अंदरूनी कलह शुरू हो गई है। हाल ही में लखनऊ में संपन्न हुई बीजेपी कार्य समिति की बैठक में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि संगठन सरकार से बड़ा है, इसके बाद से पार्टी में खींचतान बढ़ती जा रही है। केशव प्रसाद मौर्य के बयान के बाद से पार्टी के कुछ नेता भी खुलकर सामने आ गए हैं और सरकार को घेरने का काम कर रहे हैं। वरिष्ठ बीजेपी नेता सुनील भराला ने केशव मौर्य के बयान का समर्थन करते हुए यूपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी का इस्तीफा मांग लिया था। बीजेपी विधायक रमेश मिश्रा ने यहां तक कह दिया कि मौजूदा सरकार की हालत बहुत खराब है। इस स्थिति को देखते हुए बीजेपी का 2027 में सरकार बनाना बहुत मुश्किल लग रहा है। पूर्व मंत्री मोती सिंह ने सरकार में भ्रष्टाचार का काम उठाते हुए कहा कि थानों और तहसीलों में ऐसा भ्रष्टाचार उन्होंने अपने 4 दशक से ज्यादा के राजनीतिक जीवन में नहीं देखा है। इसी क्रम में अब योगी सरकार में राज्य मंत्री सोनम किन्नर ने भी इस्तीफा दे दिया है। सोनम किन्नर ने अपने विभाग में भ्रष्टाचार समेत कई आरोप लगाए हैं। सोनम किन्नर ने केशव मौर्य के बयान संगठन सरकार से बड़ा का समर्थन भी किया है। वरिष्ठ पत्रकार का मानना है कि योगी आदित्यनाथ के खिलाफ एक सोची समझी साजिश रची गई है। यह साजिश आज से नहीं चल रही है, जब से उन्होंने मुख्यमंत्री पद का पदभार संभाला है तभी से पार्टी में एक लॉबी थी जो योगी के पीछे पड़ गई थी। यह लॉबी लगातार उनके कामकाजों की आलोचना कर रही है। जब योगी सीएम बने तो केशव प्रसाद मौर्य यूपी बीजेपी के अध्यक्ष हुआ करते थे, तब पार्टी ने बेहतर परफॉर्मेंस किया था। केशव को ऐसा लगता था कि पार्टी की जो वापसी हुई है वो उनके कारण हुई है। उस समय केशव खुद मुख्यमंत्री पद के दावेदार थे, लेकिन फिर भी केंद्र सरकार व पार्टी को मुख्यमंत्री नहीं बनाया था। ये नाराजगी तभी से चली आ रही है। 2019 में बीजेपी को भारी समर्थन मिलने के कारण केशव प्रसाद मौर्य अपनी नाराजगी दिखा नहीं पाए थे। इसी क्रम में जब 2024 में बीजेपी यूपी में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पाई है तो हार के कारण ढूंढे जा रहे हैं। बीजेपी हार का ठीकरा मोदी शाह पर ना फोड़कर किसी दूसरे पर फोड़ना चाह रही है। यूपी की लॉबी का हार का ठीकरा सीएम योगी पर फोड़ने पर लगी हुई है। इसको लेकर पार्टी में दबाव बनाया जा रहा है। जैसे सोनम चिश्ती उनका कोई जनाधान नहीं है, फिर भी उनके बहाने एक दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है। वरिष्ठ पत्रकार के मुताबिक ये सब उपचुनाव से पहले ही किया जा रहा है, क्योंकि बीजेपी को डर सता रहा है। अगर बीजेपी ने उपचुनाव में अच्छा परफॉर्मेंस किया तो संगठन को मैंने मजबूत किया यह कहकर जीत का श्रेय ले लिया जाएगा, वरना हार का ठीकरा फिर सीएम योगी पर फोड़ दिया जाएगा। ये कहीं न कहीं केंद्र के कुछ नेताओं के इशारे पर योगी को कमजोर करने की एक साजिश चल रही है।